हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने हमें बताया कि जो जिसकी पूजा करेगा उसी के लोक में वास करेगा। अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम उनके लोक में जाएंगे, अगर हम पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक में वास करेंगे, भूतों की पूजा करते हैं तो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, जो मेरी उपासना करेगा वो मेरे परम धाम को आएगा। इस तरह जिसकी भी पूजा हम करते हैं उसी के लोक में हम आगे निवास करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अगर आप किसी और की पूजा भी करते हो, देवताओं की करते हो, तो भी इनडायरेक्टली आप मेरी ही पूजा कर रही हैं। लेकिन देवी देवताओं की पूजा के विधि विधान होते हैं, अगर वो ढंग से ना की जाए, त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई तो वो पूजा लगती नहीं है और श्री कृष्ण तक उसकी पूजा कैसे पहुंचेगी फिर। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि अगर आप किसी और की पूजा भी करते हो तो फिर उसे विधि विधान से कीजिए, अदरवाइज भगवान श्री कृष्ण की उपासना कीजिए। तो आगे भगवान क्या बता रहे हैं, उनकी आराधना करते हैं हम, वंदना करके फिर उसके बाद हम आगे जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पात्रं पुष्पं फलं तोयं यामे भक्ताय प्रयच्छति ततहं भक्तियो भृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता। हरे कृष्णा। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भगवान कहते हैं और किसी की पूजा ना करो, मेरी पूजा करो, और किसी की पूजा तो बहुत विधि विधानों से करनी पड़ती है, तो कृष्णा आपकी पूजा कौन सी सरल है, आप भी तो बहुत सारे यज्ञ हवन को मानते होंगे कि यज्ञ हवन करें हम तब आप प्रसन्न होंगे। नहीं, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ पत्र, पुष्प, फल और जल, इनमें से कुछ भी आप अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। अगर ये चारों भी ना हो, प्रेम और भक्ति हो, तब भी आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। इतना सरल है भगवान को मनाना। हमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, आहुति देने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भक्ति दिखानी है भगवान के प्रति और उनका हरि नाम संकीर्तन करना है, उनका नाम उच्चारण करना है, इसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम, तुलसी का पत्ता आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को। जल, जल कहीं से भी आप ले सकते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। फल, पेड़ से लाकर फल अर्पित कर सकते हैं आप भगवान को। फूल, कोई भी फूल लेके किसी पौधे से आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवान को देके कि भगवान आपके चरणों में मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। इस तरह से बड़ा ही सरल है, बड़ी सरल चीजें भगवान ने बताई हैं अगर हम पदार्थ के द्वारा भगवान की पूजा करना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज आप भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तप्स्यसि कौन्तेय तत्कुरुषमतर्पणम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। अर्थात जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, भगवान को अर्पित करो पहले, उस खाने को प्रसाद के रूप में, मर्सी के रूप में हमारे पास वापस आएगा, हम उसको तब ग्रहण करें भोग लगाकर। भगवान कहते हैं तुम जो कुछ करते हो, मान लो व्यापार कर रहे हो, तो भगवान को पहले उसका भोग लगाइए, मतलब भगवान को पहले अर्पित कीजिए कि हे प्रभु
ये आपका दिया हुआ है, कृपया इसमें अपनी कृपा डालिए ताकि मैं इसको ढंग से कर सकूं और उससे जो भी मैं अर्न करूं उससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। और क्या कहते हैं भगवान, दान देते हो, जो कुछ भी दान दे रहे हो, एरोगेंट होकर दान नहीं करना कि ये छोटा है मैं बड़ा हूँ दान दे देता हूँ, नहीं। जब दान देते हैं अत्यंत विनम्र भाव से दान दीजिए, भगवान की सेवा में दान दीजिए कि हे प्रभु इस दान को स्वीकार कीजिए, आपको अर्पित करता हूँ मैं ये दान, जहाँ पर आप इसको लगाना चाहें आप लगाइए, मुझे पवित्र कीजिए इस दान को स्वीकार करके। और क्या, जो भी तपस्या करते हो, कोई भी तप करते हो, पहले भगवान को अर्पित करो। मतलब ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए पहले, तब वह कार्य अवश्य ही सफल होगा, ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो आज हम ये दो ही श्लोक करेंगे, दोनों श्लोकों पर मंथन कीजिए। इन दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, भगवान ने हमें दो चीज़ें बताई हैं। एक ये बताई है कि मेरी सेवा करना अत्यंत सरल है, चार चीज़ों से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ अगर आप भक्ति भाव से देंगे तो। ऐसे नहीं कि वैसे ही कुछ भी ले आए भगवान को दे दिया और भक्ति है नहीं, भक्ति से भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा भगवान कहते हैं, जो भी तुम कर्म करते हो उसे मुझे अर्पित कर दो। दान देते हो, मंदिर में दान दे सकते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान कोई मंदिरों में होते हैं सिर्फ, सब जगह होते हैं, भगवान सब जगह भी होते हैं और मंदिरों में भी होते हैं, सब जगह भगवान हैं। तो मंदिरों में उनकी विग्रह अर्चना होती है, जो सर्विस सभी को दी जाती है, सब लोग मंदिरों में जाकर बैठकर पूजा करते हैं, वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, इसके लिए हमें दान करना चाहिए ताकि सभी भक्तों को वो अवसर मिल सके भगवान की सेवा करने का। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।